नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हृदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम पर हमारा डिस्कस अभी चल रहा था, जिसमें हम बात कर रहे थे विश्व के सभी संविधानों पर, संविधान का, जिसमें हमने दोस्तों अर्थ और प्रकार समझने का अभी तक प्रयास किया है। लास्ट सेक्शन में एक्चुअली जो है लास्ट सेशन जो हमारा हुआ था दोस्तों, उस सेशन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से उस सेशन को हमें बीच में रोकना पड़ा था, नहीं तो दोस्तों हम उसमें अर्थ प्रकार और साथ में दोस्तों संविधान के जितने प्रकार होते हैं उन सभी प्रकारों के गुण दोषों पर चर्चा हमारी होने वाली थी, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमें उस सेशन को वहीं रोकना पड़ा। तो दोस्तों उसी का जो पार्ट टू है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। दोस्तों इससे पहले का जो लेक्चर हमारा 15 था, लेक्चर 15 वो हमारा जो है फर्स्ट भाग था, और ये सेकेंड भाग दोस्तों होने जा रहा है आपके लिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें हम सभी संविधानों के जितने भी प्रकार होते हैं उन सभी प्रकारों पर दोस्तों हम यहाँ पर उनके गुण दोष अर्थात की विशेषताओं को देखने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ में दोस्तों हम एक आदर्श संविधान पर भी एक चर्चा करने वाले हैं कि ये आदर्श संविधान होता क्या है। ये आदर्श संविधान अर्थात की किसी भी राज्य के संचालन के लिए किस प्रकार के जो है नियम और कानून उचित होते हैं, और उन उचित नियमों का संग्रह होता है दोस्तों एक आदर्श संविधान। ठीक है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करेंगे। तो एक बार दोस्तों फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लोदई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर, और उन सभी दोस्तों को जो इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं दोस्तों मैं उन सभी को बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जो है आपके सभी डाउटों को क्लियर करने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर आपके लिए जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम की सुविधा उपलब्ध करवाई है। जो भी आपके डाउट है, आपके पास में काफी सारे ऑप्शन हो जाते हैं, चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, और दोस्तों अगर आपको कमेंट सेक्शन में डाउट पूछने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से भी अपने डाउट मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं, जिसका समाधान आपको 100% और हैंड टू हैंड मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसी के साथ में शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, और डायरेक्ट हम मूव करेंगे अपनी स्लाइड पर जो हमने अभी तक पढ़ा था। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार बोल दूं दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज पहले इसके जो भाग एक है उसको जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आपके माइंड में कंफ्यूजन बनी रहेगी, क्योंकि उस लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीटली भारत के संविधान का अर्थ और परिभाषा समझने का प्रयास किया था। उसमें देखा था कि संविधान क्या होता है, संविधान का अर्थ हमने देखा था, उस साथ में उसकी परिभाषाओं को भी देखा था, और इसके अलावा दोस्तों संविधान के प्रकारों को भी हम लगभग देख चुके थे। और इस जो सेकंड भाग है, इस सेकंड भाग में हम संविधान के जितने भी प्रकार है उन सभी प्रकारों के गुण दोषों पर चर्चा करने वाले दोस्तों, उनकी विशेषताओं पर चर्चा करने वाले, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सभी संविधान के सभी प्रकारों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर एक दृष्टि डालने वाले हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों हम एक आदर्श संविधान पर भी चर्चा करेंगे कि ये आदर्श संविधान होता क्या है। ठीक है, चलिए तो सीधा अपने स्लाइड पर मूव करते हैं जिससे हमारा टाइम बच जाए। तो दोस्तों लास्ट सेशन में हम लगभग यहां तक बात कर चुके थे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका था, और अब जो जितने भी प्रकार थे संविधान के, आज हम बात करेंगे संविधानों के सभी के गुण और दोषों के बारे में। ठीक है, तो जिस प्रकार से संविधान के प्रकारों में हमने सबसे पहले देखा था संविधान, लिखित संविधान, लिखित संविधान के बारे में हमने देखा था कि लिखित संविधान होता क्या है, इसको अब हम भली भांति रूप से समझ चुके हैं कि लिखित और अलिखित संविधान क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इस जो अलिखित संविधान है इसके क्या गुण हो सकते हैं और वहीं क्या दोष हो सकते हैं, अर्थात कि इस अलिखित संविधान में कौन सी कमियां हो सकती है और कौन से इसके महत्व हो सकते हैं दोस्तों, उस पर हम अब चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अलिखित संविधान के गुणों पर बात करेंगे कि अलिखित संविधान के गुण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों मैंने आपको तीन पॉइंटों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि अलिखित संविधान के क्या क्या गुण हो सकते हैं, अर्थात कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, या कहें कि किसी भी देश के लिए अलिखित संविधान किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है, किस प्रकार से आवश्यक हो सकता है, इस पर मैं इसको मैंने समझाने के लिए आपको तीन पॉइंट आपके लिए यहां पर डाले हैं, जिसमें प्रथम है, पहला पॉइंट है भारत के साथ, माफ कीजिएगा, समय के साथ साथ विकास। तो देखिए दोस्तों अलिखित संविधान, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट सेशन अगर आपने अटेंड किया है तो आपको भली भांति रूप से आप इससे परिचित हो चुके हैं कि अलिखित संविधान का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अलिखित संविधान
निर्मित ना होकर के विकसित संविधान है, और उसका जो विकास होता है, अलिखित संविधान का जो विकास होता है वो उस देश की परंपराओं के आधार पर उसका विकास होता है। ठीक है, परंपरा कह दें या कहें कि उस देश के न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से उसका विकास होता है। तो इसी के साथ में दोस्तों ये जो है एक अलिखित फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि इसकी एक विशेषता या इसका एक गुण जो है वो ये हो सकता है कि इसका जो अलिखित संविधान जो होता है इसका विकास समय के साथ साथ होता है, ना कि एक ही बार में निर्मित हो। ठीक है, तो इसका जो विकास होता है वो समय के साथ साथ होता है। ठीक है, इसके अलावा क्रांति की रोकथाम। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको जो है डाउट जा सकता है कि अलिखित संविधान के माध्यम से क्रांति की रोकथाम कैसे की जा सकती है, कि क्रांति को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो जरा समझिए बात को, अगर किसी देश का संविधान लिखित फॉर्मेट में होगा इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि 50 साल, 100 साल, 200 साल पहले किसी फॉर्मेट में संविधान को लिख दिया गया है। अब उस लिखित फॉर्मेट का संविधान जो कि 200 साल पुराना है या 100 साल पुराना है वो उस समय की परिस्थितियां उस देश की कुछ और रही होगी और वर्तमान अर्थात आज की परिस्थितियां कुछ और होगी, है ना। तो इन परिस्थितियों के आधार पर अगर हम देखें दोस्तों तो उस संविधान, वो जो संविधान 200 साल पहले लिखा गया था वो संविधान पूरी तरह से सटीक नहीं बैठ पाएगा आज की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, है ना। तो इस स्थिति में क्या होगा कि उस संविधान में चेंजेस लाना पड़ेगा। और अगर मान लेते हैं कि वो लिखित संविधान था और कठोर संविधान था तो उसमें परिवर्तन लाना इतना आसान नहीं होगा, और जब उस संविधान में परिवर्तन लाना इतना आसान नहीं होगा तो क्या होगा कि उस देश की जनता भड़क जाएगी, और उस देश की जनता जब असंतुष्ट होकर भड़केगी दोस्तों तो उस देश में क्रांति की संभावना अवश्यंभावी हो जाएगी, उस देश में क्रांति होना तय हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो जो अलिखित संविधान होता है ये आपने देखा था पिछली सेशन में कि अलिखित संविधान एक जो है एक लचीला संविधान होता है जिसमें परिवर्तन करना बहुत ही आसान होता है, और ये परंपराओं, परिस्थितियों और कानूनों के आधार पर धीरे धीरे विकसित होता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जिस देश में अलिखित संविधान होता है उस देश में क्रांति की संभावना ना के बराबर होती है, जैसे कि इंग्लैंड, है ना। अब इसी को दोस्तों अगर हम भारत के साथ जोड़ के देखें तो एक जैसे कि अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं कि एक कृषक आंदोलन चल रहा है अभी दिल्ली में, है ना। तो दिल्ली में कृषक आंदोलन चल रहा है, तो दोस्तों इस आंदोलन को भी तो हमें क्रांति का रूप दे सकते हैं, क्रांति कह सकते हैं कि सभी किसानों ने एक तरफा होकर के सरकार के द्वारा लाए गए तीनों जो नियम थे, जो तीनों अधिनियम थे, उन तीनों कृषि अधिनियमों का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, जो कि अभी अभी समाप्त हो चुका है क्योंकि सरकार को मजबूर होकर के जनता की मांग को मानना पड़ा और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। तो ये क्या थी दोस्तों, तो ये भी तो किसानों की एक क्रांति थी। ठीक है, लेकिन यही घटना अगर ब्रिटेन के संविधान के साथ घटी होती, ब्रिटेन देश में घटी होती, तो वहां पर परिवर्तन करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि भारत के संविधान हालांकि कठोर और लचीला दोनों प्रकृति को समाहित करता है, इस कारण से यहाँ पर ये घटना आसानी से सोल्व कर दी गई। लेकिन अगर यही घटना अगर अमेरिका में घटित हुई होती दोस्तों तो वहां पर क्रांति का होना निश्चित था। क्यों? क्योंकि वहां के संविधान में अगर कोई कानून एक बार लागू कर दिया जाए तो उसको वापस लेने के नियम भी उतने ही कठोर होते हैं जितने कि संविधान में संशोधन करने के नियम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जहां जिस देश में अलिखित संविधान होगा उस देश के राजनीति में क्रांति की संभावना बहुत कम होगी। क्या क्लियर हुआ आपका ये पॉइंट भी? ठीक है, नेक्स्ट है संकट काल के लिए सर्वश्रेष्ठ। अब ये तो आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि जो संविधान लिखित फॉर्मेट में होगा, जो कठोर संविधान होगा, वो पूरे देश को अपने नियमों के अनुसार ही संचालित करेगा, चाहे देश में अकाल पड़ा हो, चाहे देश किसी अन्य देश के साथ युद्ध की परिस्थितियों से जूझ रहा हो, चाहे कोई देश आर्थिक संकट से जूझ रहा हो, या किसी भी प्रकार की वहां पर परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हो, लेकिन फिर भी उस देश का जो संचालन होगा वो संविधान के अनुसार ही होगा। ठीक है, तो ऐसे देश में दोस्तों ऐसे देश का जो कठोर संविधान होगा, जो लिखित फॉर्मेट का संविधान होगा, वो संकटकालीन परिस्थितियों के लिए उचित नहीं माना जाएगा। वहीं इसी में अगर हम इंग्लैंड के संविधान को देखें जो कि पूरी तरह से अलिखित और लचीला संविधान है, तो वो जो संकटकालीन परिस्थितियां होती है उनके लिए बहुत ही उचित होता है, है ना। जैसे कि संकटकाल परिस्थिति, जैसे मान लेते हैं कि कोई अकाल की परिस्थिति देश में आ जाती है, या युद्ध की परिस्थिति आ जाती है, बाढ़
कि कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं विश्व में आती रहती हैं। इस प्रकार की परिस्थितियों में उस संविधान को उस रुख की ओर मोड़ देना बहुत आसान होता है, और इसीलिए दोस्तों अलिखित संविधान ऐसे देशों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये होते हैं, ये हुए आपके अलिखित संविधान के गुण दोस्तों। इसके बारे में, इसको आप विशेषताएं भी बोल सकते हैं, इसको आप महत्व भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा कि अलिखित संविधान या लिखित संविधान या किसी भी प्रकार का कठोर लचीला सारे संविधानों की जब हम चर्चा करेंगे, उनके जो गुण दोषों की बात करेंगे, तो बस आप यहाँ पर दिमाग ध्यान रखिएगा कि जब हम गुण की बात कर रहे हैं तो याद रखना कि हम सकारात्मक पक्ष की बात कर रहे हैं, और जब हम गुण की बात कर रहे हैं दोस्तों तो वो उसके महत्व की भी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, और विशेषताओं की जब हम बात करेंगे तो इसमें गुण और दोष अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को हम उसकी विशेषताओं में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे अलिखित संविधान के दोष। तो ये तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस किसी चीज में के गुण होते हैं तो उन गुणों के साथ साथ में दोष भी उसके पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर उसके दोष भी हैं। जैसे अलिखित संविधान हर परिस्थिति में उचित साबित नहीं कर सकते, उसको उचित नहीं हो सकता है। तो इसको मैंने समझाने के लिए आपके लिए 5 पॉइंटों के आधार पर मैंने आपको ये पूरा मुद्दा समझाने का प्रयास किया है कि अलिखित संविधान में कौन कौन सी कमियां है, अलिखित संविधान के दोष क्या है, अलिखित संविधान का नकारात्मक पक्ष क्या है। ठीक है, तो इस परिप्रेक्ष्य में हम समझते हैं कि बहुसंख्यक दल का प्रभुत्व, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो संविधान जिस देश में अलिखित संविधान होगा उस देश में बहुसंख्यक दल का प्रभाव अधिक रहेगा। अर्थात ये कि अलिखित संविधान होने के कारण स्पष्ट तौर पर उस संविधान, उस जो राजनीति होती है उस देश की, उस राजनीतिक पक्षों के बारे में स्पष्ट नियम रूल्स का लिखा होना निश्चित नहीं होता है। मतलब कि जो जिस देश में लिखित संविधान होता है उस देश में तो आपको सभी जितने भी रूल होते हैं सब लिखित फॉर्मेट में मिल जाते हैं, लेकिन जो संविधान अलिखित होता है उस पर दोस्तों, उस संविधान पर या कहें कि उस देश की राजनीति पर जो है बहुसंख्यक दल का ही प्रभुत्व रहता है। बहुसंख्यक दल कौन होता है, जिसके पास में अधिक मत होते हैं, जिसके के पक्ष में अधिक जनसंख्या होती है वो बहुसंख्यक दल होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे देशों में बहुसंख्यक दल का प्रभुत्व अधिक पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा अधिकारों की सुरक्षा संभव नहीं होती है। क्यों नहीं हो सकती है कि दोस्तों, जो अधिकारों की सुरक्षा संभव क्यों नहीं हो सकती है कि जिन देशों में अलिखित संविधान होता है उन देशों में अधिकारों की सुरक्षा संभव नहीं होती है। अर्थात कि जनता के जो अधिकार होते हैं वो सुरक्षित नहीं होते ऐसे देशों में। क्यों नहीं होते, किस प्रकार नहीं होंगे, जरा समझिए बात को कि जो लिखित संविधान होगा तो उसमें संविधान सभा के द्वारा, संविधान निर्माताओं के द्वारा जनता के अधिकार और कर्तव्य पहले से ही स्पष्ट तौर पर लिख दिए जाते हैं, और उन अधिकारों को फिर आगे चलकर सरकार भी नहीं छीन सकती, अर्थात कि प्रशासन भी नहीं छीन सकता आपसे। तो इस प्रकार से लिखित संविधान जहां होगा वहां पर जनता के अधिकार स्पष्ट तौर पर जो है जो निश्चित हो जाएंगे, और निश्चित होने के साथ साथ दोस्तों उनसे कोई वो अधिकार छीन नहीं सकता, चाहे वो न्यायालय हो, प्रशासन हो, सरकार हो, कोई भी हो दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से लेकिन जहां अलिखित संविधान है वहां पर स्पष्ट तौर पर वो अधिकार ना लिखे होने के कारण उनके, जनता के अधिकार सुरक्षित नहीं होते। क्या स्पष्ट हुआ ये भी? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ये कुछ आइस वर्स्ट या अनिश्चित, ये मिसप्रिंट है, एक मिनट, इसको जब पीपीटी डाउनलोड करेंगे आप तो इसको दोस्तों काट देना, ये मिसप्रिंट हो चुका है ना, ऐसा आइस वर्स्ट जैसा कुछ भी नहीं है, इसकी जगह होगा अस्पष्ट। क्या होगा दोस्तों? अस्पष्ट। ठीक है, या इसको याद रखिए अनिश्चित, अनिश्चित या अस्पष्ट। ठीक है, तो अनिश्चित या अस्पष्ट, तो इस पक्ष को भी आप अच्छे से समझ चुके हैं कि अलिखित संविधान कभी भी स्पष्ट और निश्चित नहीं होगा, है ना, परिस्थितियों के अनुसार वो कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी बदल सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे संविधान हमेशा लचीले संविधान होते हैं जिनमें परिवर्तन करना बहुत ही आसान होता है। इसलिए इस अलिखित संविधान की व्याख्या करते हुए इसके आलोचकों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अलिखित संविधान जो है अस्पष्ट और अनिश्चित संविधान होता है। ओके, नेक्स्ट है अस्थायित्व। तो जहां पर अनिश्चितता होगी और अस्पष्टता होगी वहां पर अस्थायित्व भी होगा, स्थायित्व नहीं होगा। पल पल में अगर कोई संविधान बदलेगा, चेंज होगा परिस्थितियों के अनुसार, या बहुत
बहुसंख्यक जो दल है उनके अनुसार जब संविधान बार बार चेंजेस होने लगेगा, उसमें परिवर्तन होने लगेगा, तो वो स्थायित्व तो उसका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है संघात्मक शासन के लिए उपयुक्त तो नहीं है। संघात्मक शासन के लिए उपयुक्त तो नहीं है, तो इससे का आप क्या अर्थ निकालेंगे, जरा समझिए इस बात को। संघात्मक शासन के लिए उपयुक्त तो नहीं है। संघात्मक शासन क्या होता है दोस्तों? संघात्मक शासन एक ऐसा शासन होता है, संघात्मक शासन का मतलब समझिए पहले आप, जिस देश में दो प्रकार, कम से कम दो प्रकार की सरकार मौजूद हो। दो प्रकार की सरकार अर्थात एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, है ना। एक तीसरी सरकार भी होती है जिसे हम बोलते हैं स्थानीय सरकार। तीनों सरकारों को आप अच्छे से समझिए। केंद्र सरकार जहां प्रधानमंत्री का राज्य होता है ना, जहां राष्ट्रपति जो प्रमुख होते हैं, ठीक है। राज्य सरकार जहां मुख्यमंत्री होता है और राज्यपाल होता है ना। प्रत्येक राज्य, प्रत्येक स्टेट की सरकार को हम क्या बोलेंगे? राज्य सरकार बोलेंगे। और एक और होती जिसे हम कहते हैं स्थानीय सरकार, जिसे हम नगर पालिका, नगर निगम या पंचायत राज के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से तीन प्रकार की सरकार होती है। तो जिस देश में ये दो या तीन प्रकार की सरकार हो, उस देश के लिए दोस्तों अलिखित संविधान जो है बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जिस देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मौजूद हो, तो ऐसे देश के लिए वहां के उन दोनों के नियम या शक्तियां, केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना आवश्यक होता है। तो इन परिस्थितियों में जहां स्पष्ट विभाजन किया जाए, वहां अलिखित संविधान या अलिखित नियमों के रूप में इन दोनों का स्पष्ट विभाजन नहीं किया जा सकता। इसी कारण हम कह सकते हैं कि जो है जो संघात्मक शासन होता है उसके लिए अलिखित संविधान बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हो सकता। क्लियर हुआ आपका ये भी? चलिए, इससे संबंधित एक क्वेश्चन है दोस्तों, अलिखित संविधान के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। अलिखित संविधान के गुण दोषों को दोनों का वर्णन, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप समझ चुके हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लिखित संविधान के गुण और दोष की, लिखित संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, लिखित संविधान की क्या क्या खूबियां हैं, और साथ ही साथ में लिखित संविधान में कौन सी कमियां हैं जो कि कोई देश नहीं अपना सकता उनको, ठीक है। एक बात और एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं यहाँ पर, जब हम अलिखित संविधान की बात दोस्तों यहाँ कर रहे थे, उसके दोष की बात कर रहे थे, तो जब हमने यहाँ पर देखा कि बहुसंख्यक दल का प्रभुत्व, जी हाँ बिल्कुल होता है, और ये लगभग लिखित संविधान अलिखित संविधान दोनों ही प्रकृति में पाया जाए। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपके नॉलेज में, आपके ज्ञान वर्धन के लिए, आज जरा समझते चलिए इसको। बहुसंख्यक दल का प्रभुत्व दोस्तों, चाहे वो लिखित संविधान हो या अलिखित संविधान हो, हर देश की राजनीति में इसी दल का प्रभुत्व होता है, ठीक है। और जहां हमने बात की थी कि ये यहाँ पर अनिश्चित और अस्थायित्व है, या कहें कि अधिकारों की सुरक्षा संभव नहीं है, तो हालांकि हमने दोष के रूप में इसको वर्णित तो कर दिया कि अलिखित संविधान जिस देश में होगा वहां जनता के अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे, लेकिन ये स्पष्ट तौर पर ये बात सत्य भी नहीं है, याद रखिएगा। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा होता कि जनता के अधिकार सुरक्षित नहीं होते, तो मुझे ये बताइए कि ब्रिटेन में जहां अलिखित संविधान अपनाया हुआ है, तो वहां की जनता दोस्तों अन्य देशों की जनताओं से काफी ज्यादा सुरक्षा महसूस करती है, काफी ज्यादा अधिकार उनके पास में है, ठीक है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम नहीं कह सकते हैं कि जिस देश में भी अलिखित संविधान होगा वहां पर जनता के अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे, इस बात को स्पष्ट तौर पर नहीं अपनाया जा सकता, ठीक। इसी के साथ हम बात करते हैं कि संघात्मक शासन के लिए अनुपयुक्त है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि जहां संघात्मक शासन होता है, जहां पर केंद्र और राज्य सरकार होती है, ऐसे देशों में इस प्रकार के अर्थात अलिखित संविधान को अपनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लिखित संविधान के गुण और दोषों के बारे में। तो चलिए बने रहिए सेशन में, और अब समझते हैं दोस्तों कि लिखित संविधान के गुण और दोष क्या होते हैं। एक बात और मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं, जो मैंने कल के सेशन में भी बार बार रिपीट की थी, और वो बात ये है कि हमें जब संविधान के प्रकारों की जब हम बात करेंगे, तो लिखित और अलिखित संविधानों पर ही हम अधिकतर फोकस करेंगे दोस्तों, क्योंकि संविधान पूरे विश्व में दो ही प्रकार संविधानों के पाए जाते हैं, उसमें होता है लिखित संविधान या फिर अलिखित संविधान। और जब हम बात करते हैं कि लचीला संविधान या कठोर संविधान, तो ये लिखित और अलिखित के अंदर ही आएंगे, उन्हीं के ही एक हिस्से हैं, उन्हीं की कुछ खूबियां हैं और कुछ कमियां हैं, ठीक है। तो मेन विशेष करके संविधान के प्रकार कितने रूप में जाने जाएंगे, हम लिखित और अलिखित दो प्रकार से बस, ठीक है। तो इसीलिए हम इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और जब हम बात करेंगे कठोर लचीला इस प्रकार संविधानों की, तो दोस्तों वहां पर लगभग आपको यही पॉइंट वापस से रिपीटेशन इनका मिलेगा आपको देखने को, है ना। चलिए तो अब देखते हैं कि लिखित संविधान के क्या गुण हो सकते हैं। लिखित संविधान के गुण क्या हो सकते हैं? स्थायित्व।
तो बिल्कुल हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस बात को मानने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि जिस देश में लिखित संविधान होता है वहां पर अधिक स्थायित्व की भावना पाई जाती है, वहां का संविधान स्थायी रूप से कंटिन्यूअसली चलता रहता है, स्थायी रूप से रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उस संविधान में अर्थात लिखित संविधान में सारे नियम रूल्स रेगुलेशन पूरे देश को किस प्रकार से संचालित करना है, जनता के पास क्या अधिकार होंगे, जनता के पास क्या कर्तव्य होंगे, जनता क्या कार्य कर सकती है और जनता क्या कार्य नहीं कर सकती है, इस प्रकार के सभी नियम उस संविधान में लिखित फॉर्मेट में ऑलरेडी लिख दिए गए हैं। इस कारण से उस देश में जो है दोस्तों वहां स्थायित्व की भावना अधिक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अधिकारों की रक्षा। तो जिस संविधान में जनता के अधिकारों को स्पष्ट तौर पर लिख कर रख दिया गया है, ऐसे देश में जो है कोई भी जनता के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, उनके अधिकारों को छीन नहीं सकते। इसीलिए कहा गया है कि जिस देश में लिखित संविधान होगा उस देश की जनता के अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता है, इसलिए वहां की जनता के अधिकार स्पष्ट तौर पर निश्चित प्रकृति धारण करते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्पष्ट तथा निश्चित। जहां पर हमने देखा था अलिखित संविधान अस्पष्ट और अनिश्चित होता है, उसी प्रकार से लिखित संविधान यहां पर निश्चित और स्पष्ट होगा। ठीक है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर लिख दिया गया है, एक विशेष समय में संविधान निर्माताओं के माध्यम से वो स्पष्ट तौर पर लिखा गया है ना। जब भी कोई विवाद होता है अधिकारों को लेकर के या कार्य को लेकर या कार्य क्षेत्र को लेकर, तो ऐसे विवादों के समय में दोस्तों संविधान में लिखी गई पंक्तियां ही कार्य करती है, वही काम आती है और उसी के अनुसार ही निर्णय लिए जाते हैं, है ना। तो इसलिए लिखित संविधान को हम स्पष्ट और निश्चित संविधान कह सकते हैं। नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों में विश्वास। लिखित संविधान जब लिखा जाता है तो पूरे देश की जनसंख्या को, पूरे देश की जनता को जो है एक ही दृष्टि में रखकर दोस्तों वो संविधान लिखा गया है, और उस संविधान का प्रथम लक्ष्य ये होता है कि सभी जनता को जो है विशेष अधिकार या सुविधाओं, मतलब कि किसी विशेष व्यक्ति को विशेष अधिकार ना दे करके सभी वर्गों को, जनसंख्या के सभी वर्गों को समान स्तर पर रखा जाए। तो इस बात पर गौर करके दोस्तों, जो जनसंख्या उस समय पिछड़ी हुई थी, जो अल्पसंख्यक थे, उन अल्पसंख्यकों का बहुसंख्यक शोषण ना करे, इसके लिए अल्पसंख्यकों को संविधान के अंदर विशेष अधिकार मुहैया कराए जा सकते हैं, कराए जाते हैं। इसी कारण से इस लिखित संविधान को अल्पसंख्यकों में विश्वास कहा गया है कि अल्पसंख्यक लिखित संविधान वाली अर्थव्यवस्था पर या राजनीति पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। जैसे कि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देख ही रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, वहीं बहुसंख्यकों को उन अधिकारों से वंचित रखा जाता है, ताकि बहुसंख्यक जनसंख्या अल्पसंख्यक जनसंख्या का शोषण ना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, संघात्मक शासन के लिए लिखित संविधान का होना अनिवार्य है। पिछली स्लाइड में हम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, इस पर हमें दोबारा चर्चा करके और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी कमियां देखने को मिल सकती है, लिखित संविधान में कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, अर्थात कि ये आलोचकों की आलोचना भी आप इसको कह सकते हैं। जब भी आपसे एग्जामिनर एग्जाम सेंटर में आपसे पूछ ले कि लिखित संविधान की आलोचनाओं पर प्रकाश डालिए, तो दोस्तों उस आलोचना अर्थात यही उसकी कमियों के बारे में हम बताएंगे, है ना। चलिए, लिखित संविधान जो होता है उसकी सबसे पहली एक कमी होती है कि इस प्रकार के जो संविधान होते हैं वो संविधान अधिकतर जो है लचीले नहीं होते अर्थात कठोर प्रवृत्ति के देखने को मिलते हैं। जैसे कि अमेरिका का संविधान, जैसे कि फ्रांस का संविधान, जैसे कि भारत का संविधान, ठीक है, कम लचीले होते हैं, लचीले नहीं होते। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान एकदम लचीला है, तो इस प्रकार का लचीला संविधान नहीं होता है। और जो संविधान लचीला होगा, जिसमें परिवर्तन करना आसान होगा, ऐसा संविधान संकटकालीन परिस्थितियों में बहुत ही ज्यादा उपयुक्त साबित होता है। अर्थात कि संविधान देश काल परिस्थितियों के अनुसार अगर परिवर्तित होने की क्षमता अपने अंदर रखता हो, तो ऐसा संविधान दोस्तों बहुत ही ज्यादा लचीला होता है और उस देश की परिस्थितियों के लिए आवश्यक होता है और महत्वपूर्ण होता है।
है ना। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो लिखित संविधान होता है वो कम लचीला होता है। दूसरी बात, अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक नहीं। जैसा कि अभी हमने कहा था कि अलिखित संविधान अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक नहीं, और माफ कीजिएगा, अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता है ना। तो उसका हमने खंडन किया था कि ऐसा जरूरी नहीं है। इंग्लैंड के संविधान को देख लीजिए आप भाई, इंग्लैंड में भी तो अलिखित संविधान है, तो फिर वहां की जनता सुरक्षित कैसे है, वहां की जनता के पास अधिकार निश्चित कैसे कर दिए गए हैं, है ना। तो इस बात को आप आवश्यक नहीं ले सकते कि अधिकारों की रक्षा के लिए लिखित संविधान का होना आवश्यक ही है, ऐसा नहीं कह सकते हो आप। आवश्यक हो सकता है लेकिन आवश्यक ही है ये नहीं कह सकते, ठीक। नेक्स्ट, देश के विकास में बाधक होता है। बिल्कुल, देश के विकास में लिखित संविधान बाधक हो सकता है। क्यों हो सकता है? वही देश काल परिस्थितियां, अर्थात कि देश का जो परिस्थिति है, समय है, किस जिस प्रकार से परिवर्तित होता जा रहा है, उस प्रकार से क्या आपका संविधान भी परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वो आपके देश का विकास नहीं होने देगा। तो उस देश का संविधान, देश की परिस्थितियों के साथ साथ उस देश के संविधान का में भी परिवर्तन होना आवश्यक है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में दोस्तों क्रांति का कारण, तो लिखित संविधान क्रांति का कारण बिल्कुल बन सकता है, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने कृषक आंदोलन का जो है एग्जांपल लिया था, जिसमें भारत, अमेरिका और ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य में इसको समझने का प्रयास किया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, लिखित संविधान के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों पर प्रकाश डालिए, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम बात करेंगे लचीला संविधान और कठोर संविधान को समझने का प्रयास करेंगे। लचीला संविधान क्या होता है और कठोर संविधान क्या होता है। वैसे तो समझाने की ज्यादा आवश्यकता अब है नहीं, क्योंकि मैं इतना समझा चुका हूँ आपको, इतना बोल चुका हूँ, लचीला कठोर मतलब क्या, कि जिस देश में के संविधान में, अर्थात सिंपल भाषा में, सिंपल शब्दों में, कि जिस संविधान में परिवर्तन करना आसान हो, उस संविधान को हम लचीला संविधान कहेंगे, और जिस संविधान में परिवर्तन करना मुश्किल हो, कठिन हो, उस संविधान को हम कठोर संविधान कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार के जो लचीला संविधान होता है, जिस संविधान में परिवर्तन करना एकदम आसान हो, उस संविधान की क्या विशेषताएं हो सकती है, तो जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए कि राजनीतिक प्रकृति के अनुकूल होता है। बिल्कुल सही बात है कि भाई जिन संविधानों में आसानी से परिवर्तन कर दिया जाए तो उसकी एक विशेषता ये हो जाती है कि जिस संविधान में, माफ कीजिएगा, जिस देश की परिस्थितियां जैसे जैसे बदल रही है, हम उस संविधान को भी उसी दिशा में बदल सकते हैं आसानी से। तो ये इसकी एक विशेषता है, इसका गुण है। दूसरी बात, क्रांति की संभावना नहीं होगी, क्योंकि ऐसे संविधान में आसानी से परिवर्तन हम करके जनता की रिक्वायरमेंट को फुलफिल आसानी से कर सकते हैं, इसलिए ऐसे देश में क्रांति की संभावना ना के बराबर हो जाती है। और नेक्स्ट है राजनीतिक जीवन का सच्चा प्रतिबिंब। राजनीतिक जीवन का सच्चा प्रतिबिंब भी ये कहला सकता है, इसके अलावा संकट काल के लिए उपयुक्त तो होगा, ठीक है। तो इसके साथ ही दोस्तों अब हम देखते हैं इसके दोष के बारे में। तो इसके दोष वही होंगे जो अलिखित संविधान के दोष होंगे, इसके लचीले संविधान के दोष और गुण वही लगभग वही होंगे जो अलिखित संविधान के गुण दोष थे। इसलिए मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि हमें लिखित और अलिखित संविधान को पूरी तरह से समझना है। अगर हमें लिखित और अलिखित संविधान पूरी तरह समझ आ गए तो आपको अन्य जो लचीले कठोर प्रकार के संविधानों को पढ़ोगे तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आप आसानी से उसको क्लेरिफाई कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर जब हम लचीले संविधान की बात करेंगे तो वहां पर आप जरा देख लीजिए कि ये जो लचीला संविधान है ये किसका गुण है, क्या लिखित संविधान का है या अलिखित संविधान का है। और अगर अलिखित संविधान के दोस्तों ये इसकी विशेषता है लचीला होना, तो लचीले संविधान के गुण दोष भी वही होंगे जो अलिखित संविधान के, ठीक है। तो राजनीतिक जीवन में अस्थिरता, यही दोष अलिखित संविधान के थे। उसके अलावा नागरिकों के अधिकार असुरक्षित रहते हैं, राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना रहता है, मतलब वही कि बहुसंख्यक दल का प्रभुत्व रहेगा, है ना, संघात्मक शासन के लिए उपयुक्त तो नहीं होगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार की यहाँ पर ये जो है इसके दोष पाए जा सकते हैं। वही कठोर संविधान मतलब लिखित संविधान, जो लिखित संविधान के गुण थे वही गुण दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, और जो लिखित संविधान के दोष थे वही दोष आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो लिखित संविधान के गुण क्या क्या थे, स्पष्ट निश्चित रहता है, वही सेम कठोर संविधान के मिलेंगे आपको। राजनीतिक जीवन में स्थिरता रहेगी, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा इसमें रहती है,
संविधान के सम्मान में वृद्धि होती है, संघात्मक राज्यों के लिए आवश्यक होता है, सेम है वो के वही है, ठीक। और जब हम बात करेंगे इसके गुणों पर, माफ कीजिए दोस्तों पर, दोष पर, दोष भी सेम ही रहेंगे दोस्तों। दोष में क्रांति का कारण लिखित संविधान बिल्कुल रहता है, कठोर संविधान भाई जहां पर आसानी से परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो क्रांति की संभावना अधिकतर बन जाएगी, है ना। राजनीतिक विकास में बाधक होता है, देश के विकास में बाधक होता है भाई, लिखित तो होगा कठोर होगा तो आसानी से परिवर्तन नहीं होगा तो देश का विकास भी संभव नहीं है। जनता की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं होता, न्यायपालिका का अनुचित प्रभाव यहाँ पर रहता है। न्यायपालिका का क्यों रहता है, क्योंकि जब संविधान में आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता तो ऐसे केस में क्या होगा कि न्यायपालिका ही बढ़कर आगे आएगी और वही अपने निर्णय के माध्यम से देश को चलाने का प्रयास करेगी, है ना। इस प्रकार से दोस्तों न्यायपालिका का प्रभुत्व यहाँ पर बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे ऑल ओवर संविधान पर चर्चा करने के बाद, अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दोस्तों वो है आदर्श संविधान का। और अब इस टॉपिक को, इस पॉइंट को समझना बहुत आवश्यक है, आप इसको बहुत ही सीरियस होकर के दोस्तों इस पॉइंट को समझते चलिए, क्योंकि अब ये जो पॉइंट है आपका आदर्श संविधान का, इसका मतलब आप पहले समझ लीजिए आदर्श संविधान है क्या। ये पॉइंट एक बनाकर मैंने यहाँ पर इसलिए रखा है, एक समग्र रूप है ये संविधानों का, जरा समझिए। कोई देश है, उस देश की राजनीतिक व्यवस्था को, या कहें कि किसी देश, आसान शब्दों में समझिए, व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करें कि किसी देश को संचालित करने के लिए, उचित रूप से संचालित करने के लिए किस प्रकार की आवश्यकता, किस प्रकार की व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, और अगर जिन संसाधनों की आवश्यकता है अगर वो संसाधन समय पर और पर्याप्त रूप से मिल पा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि उस देश का जो संविधान है वो आदर्श संविधान है, अर्थात कि वो जनता की भी और साथ ही साथ में उस देश की देश काल परिस्थितियों के अनुसार सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है अगर वो संविधान, तो वो संविधान उस देश का आदर्श संविधान होगा, है ना। जैसे कि लगभग आज हम विश्व के सभी संविधानों पर, किसी संविधान पर उंगली नहीं उठा सकते कि उस देश का संविधान, फलाने देश का संविधान जो है आदर्श संविधान नहीं है, बल्कि दोस्तों सभी देशों ने अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने अपने संविधानों को चुना है। जैसे कि अमेरिका ने दोस्तों, बहुत छोटा संविधान है अमेरिका का, वो लिखित फॉर्मेट में संविधान है और कठोर संविधान है। वहीं अगर हम उस संविधान को उठाकर इंडिया में ले आते दोस्तों तो हमारी परिस्थिति कुछ अलग है, इस कारण से वो हमारे लिए अनुपयुक्त हो जाता। इसलिए हमने हमारी परिस्थिति के अनुसार लिखित फॉर्मेट में और कठोर और लचीले दोनों विशेषताओं को मिश्रित करके हमने अपने संविधान का निर्माण किया है। क्यों? क्योंकि हमारी परिस्थितियां अमेरिका से अलग थी, ब्रिटेन से अलग है। इस प्रकार से हर एक देश अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने संविधानों को निर्मित करता है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं जरा कि आदर्श संविधान किन विशेषताओं को धारण करता है, जरा इसको समझते हैं। एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर ले, पेन ले लेते हैं, चलिए। आदर्श संविधान के लक्षणों का निश्चित वर्णन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर देश की परिस्थिति अलग अलग होती है, हर देश की जनता की डिमांड अलग अलग होती है। इसलिए हम विश्व के सभी देशों के लिए नहीं कह सकते हैं कि सभी देशों के लिए आदर्श संविधान ये हो सकता है ना। सब देशों के लिए अलग अलग संविधानों के लिए अलग अलग आवश्यकताएं हो सकती है, और उन्हीं आवश्यकताओं के आधार पर अगर संविधान बना है और सक्षम संविधान साबित हो रहा है तो उस देश के लिए वही संविधान आदर्श संविधान का रूप धारण कर लेगा, ठीक। क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों में संविधान अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें दोस्तों तो उदाहरण इसमें लिया गया है इंग्लैंड का, कि इंग्लैंड में विकसित अलिखित और लचीला संविधान ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है। और वहीं अगर देखें हम अमेरिका के संविधान को दोस्तों, तो अमेरिका के संविधान में लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है और कठोर संविधान है, वो भी वहां के लिए एक उचित रूप से कार्य कर रहा है, वहां भी वो विकास के लिए बाधक सिद्ध नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सभी देशों में लिखित संविधान ही होना आवश्यक है या फिर अलिखित संविधान ही होना आवश्यक है, ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। हर देश अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार ही जो है अपने संविधान को चूज करता है, चुनता है, ठीक है। आदर्श संविधान के कुछ लक्षणों पर हम चर्चा यहाँ कर सकते हैं कि किस प्रकार के लक्षण यहाँ होना चाहिए। पहली बात कि किसी भी देश में जो संविधान होता है वो संक्षिप्त होना चाहिए, ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, साधारण सी विशेषता है ये,
किसी भी देश का संविधान इतना बड़ा ना हो कि उसको समझने में या कहें कि विवादों का निर्णय लेने में या समस्याओं का समाधान करने में उलझने हो जाए, अर्थात कि एक ही बात पर दो या तीन जगह लिखा हुआ हो तो उसमें से किसको माने और किसको ना माने। ऐसी समस्याएं कहाँ उत्पन्न होती, जहां संविधान बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बृहद होता है, उसका बृहद रूप होता है ना। इसलिए कहा गया है कि संविधान संक्षिप्त हो, मतलब छोटा होना चाहिए, लेकिन इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए, इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए जो अपनी व्यापकता को खो दे। व्यापकता को अर्थात ये कि संक्षिप्तता मतलब ये हो जाती है दोस्तों कि संविधान ऐसा हो जिसमें समाज के हर पक्ष के बारे में वर्णन हो, देश के हर पक्ष के बारे में वर्णन हो, लेकिन जैसे जनता का दिन प्रतिदिन की रोजमर्रा के कार्यों के बारे में लिखा हुआ होना, तो ये जो है उचित नहीं होता है। तो ऐसा ना हो कि दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रियाओं के बारे में लिख दिया गया हो, नहीं है ना, बल्कि जो है उसकी व्यापकता भी उसमें समाहित हो, मतलब देश की हर परिस्थिति के बारे में उसमें वर्णन मिले। तो संक्षिप्तता और व्यापकता दोनों ही चीज का यहाँ पर ध्यान रखना आवश्यक है संविधान के अंदर। दूसरी एक तीसरी बात है इसमें कि एक जो संविधान होता है वो स्पष्ट होना चाहिए, है ना, किसी भी रूप से अस्पष्ट संविधान ना हो जिससे समझने में समस्या खड़ी हो जाए। ठीक है, तो स्पष्ट हो, समझने में एकदम आसान हो और निश्चितता के साथ में हो कि अगर आपने कोई अपराध किया है तो उसमें आपको यही दंड मिलेगा, साथ में समाज का विकास किस प्रकार करना है, जनता को कौन से अधिकार दिए गए हैं, ये सारे अधिकार स्पष्ट तौर पर उसको होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मौलिक अधिकार और कर्तव्य दोस्तों, तो किसी ये हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में किसी भी प्रकार का, चाहे वो संविधान हो, लचीला हो, कठोर हो, विकसित हो, परंपरा किसी भी प्रकार का संविधान हो, उस संविधान को आदर्श संविधान होने के लिए उसमें मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सब जगह सिर्फ मौलिक अधिकार दे दिए गए हो, कर्तव्य ना दिए हो। अब मान लेते हैं आपको कि सबको सिर्फ अधिकार दे दिए हैं, कर्तव्य किसी को नहीं दिए, तो क्या होगा दोस्तों, सब अपने अधिकारों को प्राप्त करने की इच्छाओं से दूसरे के अधिकारों का हनन करना चालू कर देंगे। इसलिए उनको कर्तव्य देना भी जरूरी है कि जब आप अपने अधिकारों का लुप्त उठा रहे हैं तो उस परिप्रेक्ष्य में आप किसी अन्य के अधिकारों का हनन ना करें, है ना। तो इस प्रकार से ये आपके आदर्श संविधान के लक्षण यहाँ पर आपके क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये सेशन हमारा आज कंप्लीट होता है, अगले सेशन को हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है, जिसमें दोस्तों अब हम बात करेंगे भारत के संविधान पर। ये तो हमने एक समग्र रूप समझ लिया है कि संविधान होते क्या है, कितने प्रकार के संविधान हो सकते हैं, क्या गुण हो सकते हैं, क्या विशेषता है, और एक आदर्श संविधान क्या होता है। ठीक है, अब संविधान का जो मेन पार्ट है वो दोस्तों नेक्स्ट सेशन से हमारा स्टार्ट होगा, जिसमें अब हम बात करेंगे बहुत स्पष्ट तौर पर भारतीय संविधान के बारे में दोस्तों। तो भारतीय संविधान पर वैसे हम बात करने वाले हैं प्रश्न पत्र सेकंड में, पेपर सेकंड में भी हम इसी पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं कि आपके द्वारा हमारे सभी सेशन बहुत ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, काफी सारे मुझे कमेंट देखने को मिल रहे हैं और दोस्तों काफी जो है लगभग 5 से 6 स्टेट से मेरे पास में कंटिन्यू कमेंट आ रहे हैं, व्हाट्सएप ज्वाइन कर चुके हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो चुके हैं, 5 से 6 स्टेट लगभग, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, और दोस्तों अभी अभी हमारे पास में जो है छत्तीसगढ़ और गुजरात से भी कमेंट आए हैं। तो आप सभी के द्वारा दोस्तों बहुत ज्यादा हमारे सेशन को पसंद किया जा रहा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बस बने रहे दोस्तों इसी प्रकार से हमारे इस सेशन पर, इस चैनल पर। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा ताकि कि आपकी सभी आवश्यकताओं की मैं पूर्ति कर सकूं, आपके सभी डाउटों को मैं क्लियर कर सकूं। बीए का आपका ये 3 साल का सफर दोस्तों, मैं इस सफर में मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा, आपके साथ कंटिन्यूअसली बना हुआ हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर करने का बेड़ा मैंने उठाया है, मैं उसको क्लियर ही करूंगा दोस्तों, आपके साथ कंप्लीटली बना हुआ हूँ। आप सभी से बस एक ही गुजारिश है, जिस प्रकार से आप सेशन आपके लिए हेल्पफुल होता जा रहा है, जिस प्रकार से आप हमें पसंद करके आप हमको कमेंट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उसी प्रकार से दोस्तों प्लीज अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ में शेयर करते रहें, जिससे कि सेशन और प्रमोट होता रहे दोस्तों। और इसी प्रकार से मैं इसमें और कंटिन्यूअसली लगा रहूं, आपके लिए और मेहनत करूंगा, और बढ़ेंगे दोस्तों, और बहुत जल्दी 3 ईयर्स को मैं यहाँ पर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.